बोरीवली में एक शॉपिंग सेंटर में लगी आग। रोबोट के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश। प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोरीवली ईस्ट में शनिवार को एक शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां पहुंची। आग पर कंट्रोल के लिए रोबोट भी लाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सुबह के समय होने के कारण वहां पर लोग मौजूद नहीं थे। आग सबसे पहले इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटर के बेसमेंट में लगी थी, जो फैलते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। फिलहाल हादसे में किसी को भी गंभीर रूप से चोट नहीं लगी है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक ये लेवल 4 की आग है। धुआं निकल रहा है तो हमने उधर उन्होंने जाके शटर वगैरह छोड़ा तो पूरा धुआं सब बाहर आया, तो फिर फायर ब्रिगेड वाले को तुरंत कॉल किया। मोबाइल की दुकानें हैं और नीचे 77 दुकानें हैं, सब मोबाइल की ही है। और लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, इसके लिए पूरा वो हो गया है, शॉर्ट सर्किट। ये वो मोबाइल की दुकान है, सब प्लास्टिक का जो कवर वगैरह रहता है उसकी वजह से ज़्यादा वो हुआ। द फायर रोबो which is working on one side, my firemen are on working on a periphery, there are 3-4 lines we are working, so in all 7 fire hoses are working and we see that, like, you know, in a maybe another 1 hour or 2 hours acha koi result aa jaye।